सीआरपीएफ जवानों पर हुए आत्मघाती हमले में मारे गए शहीदों के प्रति व्यापार पर कोष ने संवेदना व्यक्त किया। शनिवार को गणेश चौक पर व्यापारी वर्ग के लोग इकट्ठा हुए और शहीदों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दिया। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा कि पाकिस्तान से अब बातचीत नहीं रण होना चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो देश का एक एक नागरिक पाकिस्तान का नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर भारी संख्या में व्यापार वर्ग के लोग श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, योगेंद्रनाथ दुबे अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। पाकिस्तान द्वारा इस आतंकी घटना से पूरा देश बहुत क्षुब्ध है और आक्रोश में है। पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की ये हरकत और हम लोग बार बार बातचीत करते हैं। अब बातचीत नहीं होना चाहिए, रण होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो देश का एक एक नागरिक पाकिस्तान का नेस्तनाबूद करने के लिए चलेगा। और सरकार से हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान की गंदी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। श्रद्धांजलि जो कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा जो लोग मारे गए हैं, उन 42 लोगों को हम लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किया।